very good morning dear students. As we are learning about the number system, so today we will do some questions of this chapter number second. Okay. Firstly, you have to write the date. Chapter number two, write down the question number 9. What is a hexadecimal number? So hexadecimal numbers kya hote hai? answer the hexadecimal numbers consist of 16 digits from 0 to 9 and A to F. लेटर्स ए टू एफ रिप्रजेंट डेसीमल नंबर्स फ्रॉम टेन टू फिफ्टीन द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज सिकीन सो हमारे हेक्सा डेसीमल नंबर्स कितने डिजिट कंसिस्ट करते हैं सिक्सटीन डिजिट्स कंसिस्ट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं हमारे फ्रॉम जीरो टू नाइन जीरो से लेकर नाइन तक हमारे कितने डिजिट्स होते हैं हो गए टेन डिजिट्स हो गए ठीक है फिर उसके बाद ए टू एफ तब भी हमारे डिजिट्स होते हैं जिसमें हमारा ए रिप्रेजेंट करता है टेन डिजिट को बी रिप्रेजेंट करता है इलेवन डिजिट्स को ट्वेल्व रिप्रेजेंट करता है सॉरी सी रिप्रेजेंट करता है ट्वेल्व को डी रिप्रेजेंट करता है थर्टीन को एंड ई e रिप्रेजेंट करता है फोर्टीन और एफ रिप्रेजेंट करता है हमारे फिफ्टीन को ठीक है तो हमारे इनडेसिमल नंबर्स को टेन टू फिफ्टीन डेसीमल नंबर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है ए टू एफ क्लियर और हमारा बेस होता है इस नंबर सिस्टम का सिक्सटीन बेस इसीलिए हमारा सिक्सटीन होता है क्योंकि ये सिक्सटीन है किप्रेजेंट रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल नंबर लाइक हम हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे डिजिट्स आ गए ठीक है हमने इन्हें ब्रैकेट में क्लोज किया और हम इन्हें कौन से बेस में रखेंगे सिक्सटीन के बेस में क्लियर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन वट इज अ बिट बिट क्या है द बिट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन तो बिट हमारा एक बेसिक यूनिट है ठीक है कोई भी कैलकुलेशन को करने के लिए या कोई भी data को स्टोर करने के लिए हम किस में करते हैं बिट में करते हैं एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हमारे जो भी डिजिटल systems सिस्टम्स होते हैं उन सभी में हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं बिट्स का यूज़ कर रहे होते हैं द बेट रिप्रेजेंट्स अ लॉजिकल स्टेट विद वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज सो बेट क्या रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करता है विद वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज हमारे टू पॉसिबल वैल्यूज में से किसी एक लॉजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है दैट इज जीरो एंड वन हमारे टू पॉसिबल वैल्यूज कौन से हैं जीरो एंड वन ओके नाउ टूडे वी विल लर्न हाउ वी कैन मल्टीप्लाई दी बाइनरी नंबर्स हम बाइनरी नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आज हम है? ये देखेंगे ठीक है सो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम एडिशन में भी पढ़ चुके हैं और सबसेक्शन में भी पढ़ चुके हैं ठीक है तो अगर हम बाइनरी नंबर्स के जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो जीरो वन जीरो वन मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो एंड वन मल्टीप्लाई बाई वन इज वन सो बेसिकली हमारे जो ये रूल्स हैं वो किसके सिमिलर है हमारे डेसिमल नंबर्स की तरह ही है ठीक है जिस तरीके से हम अपने डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सेम वो ही रूल्स हमारे बाइनरी नंबर्स के लिए भी हैं क्लियर सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस बाइनरी नंबर वन जीरो वन जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो वन ओके सो हम डेसिमल नंबर्स में कहाँ से स्टार्ट करते थे राइट right साइड से तो so, हम सिमिलरली हम बाइनरी नंबर्स को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वन जीरो ज़ीरो वन वन जा वन वन जीरो ज़ा ज़ीरो वन वन जॉ वन दैन क्रॉस ज़ीरो जा ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन जा जीरो 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 ज़ा ज़ीरो जीरो वन जो ज़ीरोन डबल क्रॉस वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन जहा वन वन जीरोज़ा ज़ीरो वन वन जन ओके नाउ नाव विल एड दी थ्री डिजिट्स अब हमें इन थ्री डिजिट्स को आपस में ऐड करना है सो ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो 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 वन ज़ीरो वन कितने हो गए हमारे टू ठीक है और टू डेसिमल नंबर को हम क्या कहते कै, कैसे लिखते हैं जीरो वन की फॉर्म में मीन्स वन जीरो के फॉर्म में हम लिखते हैं ठीक है चीके? तो वन क्या चले जाएगा हमारा कैरी रो वन 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 ओके सो दिस इज दंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू बाइनरी नंबर्स इन दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आया है वन वन जीरो जीरो वन जीरो क्लियर सो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दीज टू बायनरी नंबर्स ठीक है आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनको मल्टीप्लाई करना है क्लियर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो और जैसे हमने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है सिमिलरली यू हैव टू आल्सो सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस इन दो क्वेश्चंस को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्लियर सो डियर स्टूडेंट्स डेट सॉल्व फॉर टूडे फर्दर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास Thank you.